नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अन टेक्निकल में। फिर से लेके आऊँ दोस्तों एक नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। फैक्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करा गया है, यानी कि दी फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनकोर लिमिटेड की तरफ से। सभी भारतीय, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड से आवेदन जो है वो कर सकते हैं। हर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको वैकेंसीज मिल जाएगी। यानी आपने 10th करी हुई है, ITI करी हुई है, BE/BTECH करी हुई है, डिप्लोमा करा हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर करी हुई है, BA करी हुई है, BBA, BCOM, किसी भी तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। आपको खुद आके ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही आगे आपको जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई जाएगी। ये है नेम ऑफ द पोस्ट जिनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया है या स्टेट के लिए है, इनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक एक करके हम लोग जो है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट की। असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर उसके बाद मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर, ऑफिसर्स, उसके बाद बात करें हेल्पर के लिए डिपो असिस्टेंट, असिस्टेंट फाइनेंस, असिस्टेंट जनरल, नर्स, कैंटीन सुपरवाइजर, स्टेशनरी, स्टेनोग्राफी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट मांगी गई है। तो कुछ में जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है, उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी तक आपको मिल सकती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट, किसी में 35 साल है, किसी में 26 साल है, किसी में 28 साल है। तो आप ये खुद भी एक बार आके चेक करिएगा। लिंक आपको सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, ये पोस्ट कोड है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 12 पोस्ट कोड नंबर के लिए अगर आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करा हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने मैनेजमेंट में करा हुआ है डिप्लोमा तो आवेदन कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। BSc एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 14 पोस्ट कोड की तरफ आएंगे तो 2 साल का अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी हुई है, हिंदी साथ में इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट तो या एज ए वन सब्जेक्ट तो आप आवेदन कर सकते हैं, या ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास मैनेजमेंट का, उनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि 15 पोस्ट कोड नंबर जॉब के लिए, बैचलर डिग्री अगर आपने इंजीनियरिंग में करी हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या इससे रिलेटेड कुछ, तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों 16 पोस्ट कोड के लिए अगर आपने जो है वो बैचलर डिग्री यानी कि BE/BTECH करी हुई है, मैकेनिकल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, तो आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके नीचे इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी आवेदन कर सकते हैं। फिर बैचलर डिग्री कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी आवेदन कर सकते हैं। नीचे आएंगे सिविल वालों के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपने फायर एंड सेफ्टी में कुछ करा हुआ है, कंप्यूटर साइंस, IT में जो है वो बैचलर डिग्री करी हुई आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे अगर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो आपने डिग्री करा हुआ है HR में तो आवेदन कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। उसके बाद आगे 10th पास वाले, यहाँ पे साथ में जो है वो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर का और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी अगर आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहां पे आगे एक बार विजिट जरूर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सिंपल ग्रेजुएशन आर्ट्स साइंस कॉमर्स वालों के लिए आ गई। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पे कॉमर्स वालों के लिए सिंपल, या आपने कंप्यूटर की जो है आपको नॉलेज है तो आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले फिर से कर सकते हैं, और नीचे कंप्यूटर साइंस वाले यानी कि BCA करी हुई है आपने या कुछ इससे अधिक करा हुआ है तो भी आवेदन जो है वो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि जो परसेंटेज मार्क्स है वो कितने रहने वाले हैं। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स के साथ ही आवेदन कर सकते हैं, जहां पे जनरल कास्ट वालों को 60% देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो 1000 रुपीज की फीस जो है वो रखी गई है, 1 से 24 के जो पोस्ट कोड वाली जॉब्स हैं इनमें 1000 रखी गई है, 500 रखी गई है जो 25 से 44 तक जो है वो पोस्ट कोड हैं। बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है, फ्री में जो है वो ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन दोस्तों 6/5/2019 यानी कि 6 मई को जो है वो शुरू हो रहे हैं, जो कि 20 मई के आसपास तक चलेंगे। आपको जितना जल्दी हो सके इसके लिए आवेदन कर देना है। बाकी दोस्तों अगर हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से और रिटन टेस्ट के माध्यम से जो है वो सिलेक्शन होगी। 1 से 9 नंबर तक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट कोड के लिए
तो इंटरव्यू होगी, उसके बाद रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से आपकी सिलेक्शन की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6/5/2019 से 20/5/2019 तक आवेदन चलेंगे। ऑनलाइन मोड से आपको इसके लिए जो है आवेदन करना है। तो नोटिफिकेशन में दोस्तों बस यही सब कुछ लिखा गया। ऑनलाइन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे ही 6 तारीख आएगी वहां पर जाकर आप जरूर इसके लिए आवेदन की। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।